हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और WPS ऑफिस स्प्रेडशीट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स और मैच के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं ऊपर में इसको ब्लैंक कर देता हूं और ये लिख देता हूँ कि आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। तो आज का हमारा जो क्लास है इसमें हम लोग समझेंगे इंडेक्स एंड मैच। पहले अलग अलग समझेंगे, उसके बाद एक साथ भी इसका यूज हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं इंडेक्स का आपको यहाँ पे यूज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि लक्स, डब और यहाँ पे निर्मा, और यहाँ पे ऊपर में इसका सेल दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से। और भी सेल अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, बट मैं 3 महीने का सेल ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे पकड़ के चलते हम लोग 1000 रुपया का सेल हुआ था, 2000 का और यहाँ पे 4000 का। अब यहाँ पे हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 5000 का सेल हुआ था, 3000 का सेल हुआ था और 1000 रुपया का सेल हुआ था, और मार्च महीना में 500, 200, 300 का सेल हुआ था। ठीक है, अब इंडेक्स में क्या होता है, देखिए जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग को यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखे लक्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथ का नाम, जैसे जनवरी का अगर हम लोग को सेल निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, इक्वल टू इंडेक्स लिखना होगा, इक्वल टू इंडेक्स लिखना होगा और उसके बाद ब्रैकेट। अब इंडेक्स में सबसे पहले क्या देना होता है, एरे देना होता है। देखिए इंडेक्स में हम लोग फील्ड का नाम नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ डाटा को लेंगे। तो ये हमारा डाटा है, ये इसका एरे हो गया, और उसके बाद में हम लोग को रो नंबर देना होता है। तो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। अब रो नंबर मतलब क्या होगा, ये एक टेबल है, तो टेबल जो बनता है वो रो और कॉलम का बनता है। तभी देखिए ये जो हो गया, ये ऊपर वाला, ये जो हो जाएगा रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम देखा जाएगा तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे रो नंबर मांगा है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी जो है ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन सा कॉलम में है, ये तो कॉलम बाद में देंगे, पहले हम लोग रो में देंगे ना। तो यहाँ पे देखिए लक्स जो है ये पहला रो है ना, तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा हम लोग। उसके बाद कॉलम भी यहाँ पे 1 ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस प्रकार से हम लोग को देना पड़ेगा रो और कॉलम का एड्रेस, जो डाटा चाहिए, जैसे 1000 चाहिए ना हम लोग फिलहाल। अब जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए, लक्स डब भी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को क्या चाहिए, 1000 चाहिए। तो 1000 जो है वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे एरे देंगे और फिर रो के हिसाब से ये हमको देगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखे और इंटर मारे तो 1000 दिया। अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड रो लिखते और सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरे को 2000 रिटर्न करता। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरे को 4000 रिटर्न करता। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स में इतना समझ जाइए कि आपको एक एरे चाहिए और उसके बाद में आपको रो नंबर देना होगा, उसके बाद में आपको कॉलम नंबर देना होगा। ठीक है, मगर अभी ऊपर में जैसे हम लोग जनवरी लिखे थे, यहाँ पे लक्स लिखे थे, तो अब यहाँ पे जो डाटा है इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रो और कॉलम का नंबर हम लोग को मैनुअली देना पड़ रहा है, मगर हम लोग चाहेंगे अगर, या हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे जनवरी लिखूं तो ऑटोमेटिक जनवरी जो है पहला कॉलम में है, तो यहाँ पे ये पहला कॉलम अपने से आ जाए। फरवरी लिखूं तो ये दूसरा कॉलम अपने से आ जाए, मार्च लिखूं तो ये तीसरा कॉलम अपने से आ जाए। उसी प्रकार से अगर मैं लक्स लिखूं तो यहाँ पे पहला रो अपने से आ जाए, डब लिखूं तो पहला सेकेंड रो अपने से आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग को समझना है मैच, तो पहले हम लोग मैच समझ लेते हैं। अब मैच के लिए यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे डी ए टी ए डाटा है, ठीक है, डाटा 1 पकड़ के चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये डाटा 2 पकड़ के चलते हैं, और यहाँ पे ये डाटा 3 पकड़ के चलते हैं। अब डाटा 1 में कुछ इस प्रकार से नंबर है, सोचिए 10 है, 20 है, 30 है और 40 है।
और डाटा टू में भी कुछ नंबर है, ये इस प्रकार से सोचिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, टू 40, 30, 20 और यहाँ 10 है। और डाटा थ्री में जो नंबर्स है यहाँ पे नाम है पकड़ के चलते हम लोग, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सचिन है, यहाँ पे अमित है, यहाँ पे सुमित है, यहाँ पे अनिल है, इस प्रकार से। तो अब मैच क्या करता है, देखिए मैच जो रहता है यहाँ पे मैं मैच का फॉर्मूला लिखता हूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है 25 खोज रहे हैं। अब देखिए हालांकि यहाँ 25 मौजूद नहीं है, फिर भी हम लोग क्या खोज रहे हैं, 25 खोज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैच, MATCH मैच। मैच में सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मतलब हम लोग क्या खोज रहे हैं, 25 खोज रहे हैं, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। और कहाँ से खोज रहे हैं, ये हमारा लुकअप एरे है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर डाटा से खोज रहे हैं। उसके बाद मैच टाइप, तो अब यहाँ पे हम लोग को मैच टाइप देना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैच टाइप 1 देता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये 2 रिटर्न कर रहा है। हम लोग को देखिए 2 रिटर्न कर रहा, 2 क्यों रिटर्न कर रहा है, ये 20 रिटर्न कर रहा, मतलब 25 का जो लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू है वो हम लोग को ये रिटर्न कर रहा है 20, ठीक है। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू लिखूं और फिर यहाँ पे मैं मैच लिखूं और फिर लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हम लोग ये 25 को ही मान के चलते हैं, इसी को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब लुकअप एरे अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ और उसके बाद मैच टाइप यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये NA दे रहा, मतलब नॉट एप्लीसेबल दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूं तो और फिर इंटर मारूं तो तब भी ये मुझको 2 ही दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये 30 को ले रहा है, मतलब ये लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब हम लोग -1 लिखे है तो ये हम लोग को क्या दे रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दूसरा बात, यहाँ बड़ा से छोटा नंबर है ना, अगर बड़ा से छोटा नंबर में अगर हम लोग 1 अगर लिखते हैं तो ये क्या कर दे रहा है, नॉट एप्लीसेबल रिटर्न कर रहा है, हम लोग को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब बड़ा से छोटा नंबर रहेगा तब हम लोग मैच टाइप जो रहेगा -1 यूज करेंगे, और -1 यूज करने पर क्या होगा, ये हम लोगों को नियरेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग को रिटर्न करेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 1 यूज कर रहे हैं और ये नंबर जो है ये आपका छोटा से बड़ा की ओर में बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हम लोग को लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये लोएस्ट और ये आपका हाईएस्ट लार्जेस्ट हम लोग को वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैच टाइप हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग मैच टाइप 1 देख लिए, मैच टाइप -1 देख लिए। अब उसी प्रकार से एक मैच टाइप होता है 0। अब यहाँ पे सोचिए कि हम लोग अमित को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इक्वल टू लिखूंगा और फिर ब्रैकेट, फिर लुकअप एरे, लुकअप एरे किसको खोज रहे हैं हम लोग, अमित को खोज रहे हैं। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, अमित है। उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बाद में एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग को 0 यहाँ पे लिखना होता है, तो 0 हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए हम लोग को ये 2 रिटर्न करेगा। और अगर हम लोग 0 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिखते हैं और इंटर मारते हैं, तो भी ये हम लोग को 2 रिटर्न कर दे रहा है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग को 0 लिखना होता है, ठीक है, तब हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ठीक, ये जो मैच है इसी का यूज करके हम लोग जो यहाँ पे नंबर दे रहे थे ना, ये नंबर अपने से हम लोग को रो और कॉलम मिल जाएगा, और मैच वैल्यू जो रहेगा है ना, लुकअप वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग ये दोनों को लेंगे। लेकिन इसको लिखने से पहले देखिए आपको कहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि ये जनवरी फरवरी मार्च जो है, ये हम लोग को इससे क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा। तो कॉलम कहाँ चाहिए हम लोग को, यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मैच का फॉर्मूला लिखेंगे, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैच में सबसे पहले हम लोग को देना होता है लुकअप वैल्यू, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद लुकअप एरे, तो ये हमारा लुकअप एरे है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज अवर लुकअप एरे। उसी तरह से अभी अगर मैं इंटर मारता हूँ यहाँ पे, नहीं रुकिए, यहाँ पे कॉमा देके यहाँ 0 हम लोग लिख देंगे और उसके बाद में हम लोग इंटर मारेंगे इसको। यहाँ पे इंटर मारेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है इक्वल टू मैच, यहाँ पे इसको हम लोग 0
एरे। अच्छा, अगर हम लोग नहीं देखे इंटर मारेंगे यहाँ, देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना, हम लोग को मैच लिखना है सिर्फ। यहाँ पे फिर से हम लोग इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ मैच लिखेंगे, ठीक है ना। यहीं पे हमारा ये गलती हो रहा था। अभी अगर मैं इंटर मारता हूँ तो देखिए 4000 दिखा रहा है। अब ये 4000 कैसे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ये 3 मतलब रो 3 मतलब निर्मा, और उसके जनवरी मतलब कि कॉलम जो है 1। तो यहाँ पे देखिए रो 3 कॉलम 1 में वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, 4000 मिल रहा है। अब उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जनवरी के बजाय मैं अगर यहाँ फरवरी करता हूँ, FEB फरवरी, तो देखिए अब यहाँ पे रो क्या है हमारा 3 है, और जो कॉलम है वो क्या हो गया, अब ये हम लोग को फरवरी का चलते ये मेरे को 2 रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए ये मेरे को क्या यहाँ पे दिखा रहा है, 1000 दिखा रहा है। अब जिस प्रकार से हम लोग फरवरी लिख रहे हैं और यहाँ का वैल्यू चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से हम लोग लक्स का जगह में डव निर्मा लिखेंगे तो भी चेंज होना चाहिए। तो कॉलम हमको कहाँ चाहिए, जहां पे हम लोग 3 लिखे थे यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लिखेंगे, MATCH मैच। और मैच का फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग फिर लिखेंगे, चाहे लक्स डब या फिर निर्मा। और उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लुकअप एरे हो जाएगा। और उसके बाद फिर कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ हम लोग 0 लिख देंगे, और फिर इंटर। अब देखिए अब यहाँ पे फरवरी, ठीक है, तो लक्स का फरवरी का सेल, अब यहाँ पे देखिए लक्स का फरवरी का सेल 5000 दिखा रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे डब लिखता हूँ, DOB डब, तो डब का फरवरी का सेल, तो देखिए यहाँ पे डब का फरवरी का सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंडेक्स और मैच का यूज किए। इंडेक्स में क्या होता है कि ए पहले तो एरे लेता है, उसके बाद में रो नंबर मांगता है और फिर कॉलम नंबर मांगता है, ठीक है। तो अब ये रो नंबर और कॉलम नंबर हम लोग का चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, मैच फंक्शन का यूज किए, ठीक है। मैच फंक्शन का यूज करके हम लोग रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पे लेके आ रहे थे, ठीक है। अगर आप लोगों को इंडेक्स और मैच समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।